हम आपको सुबह से ही महाराष्ट्र के नांदेड़ से लाए गए श्रद्धालुओं के बारे में पंजाब सरकार की लापरवाही की खबर दिखा रहे हैं। अभी एक और खबर आई है, बड़ी खबर है तरन तारण से, जो अभी तक ग्रीन जोन में था लेकिन महाराष्ट्र से लौटे श्रद्धालुओं की वजह से अब वहां पर 8 कोरोना मरीज हो गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से लड़ाई को नाम दिया है मिशन फतेह, लेकिन ये मिशन कैसे चल रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। तरन तारण में तख्त श्री हुजूर साहिब से लौटे एक श्रद्धालु के घर एम्बुलेंस जब पहुंची उसको लेने, तो वो इतनी धूल भरी थी कि मरीज ने बैठने से इनकार कर दिया। ये देखिए, पहले झाड़ू लगानी पड़ रही है, जो मरीज के परिजन है उनको पहले झाड़ू लगानी पड़ रही है, उसके बाद वो अपने मरीज को इसमें बिठाएंगे। तो इस तरह से तो कैसे फतेह पाई जाएगी कोरोना पर। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जगविंदर, ये तो बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं, अगर इस तरीके से एम्बुलेंस पहुंचेगी कि परिजनों को पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी, तो कैसा ऑपरेशन फतेह, कैसे जीतेंगे कोरोना से? कोरोना से बच भी गए तो धूल मिट्टी से ही मर जाए आदमी। देखिए, इस एम्बुलेंस को देखकर शर्म आ जाती है। मिशन फतेह छोड़िए, कैप्टन साहब को शर्म आनी चाहिए इस एम्बुलेंस को देखकर कि मरीज ये कह रहा है उसके पिता और उसका बेटा दोनों ही कोविड के पॉजिटिव पेशेंट हैं, और जब पुलिस और डॉक्टर के साथ उसे लेने पहुंचती है वो कहता है मैं इसमें नहीं बैठूंगा, अपनी गाड़ी में जाऊंगा, पहले झाड़ू मरवाइए, सैनिटाइज करवाइए, और फिर कह देता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं इसमें। उसकी हालत देख के ये लग रहा है कि ये कबाड़खाने से उठाई हुई एम्बुलेंस लगती है। शर्म आनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को। और दूसरी बात, क्या इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या चीफ मिनिस्टर हैं और क्या जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो बैठ सकते हैं इस एम्बुलेंस में? अगर वो बैठ सकते हैं तो कोई भी आदमी बैठ सकता है, अगर वो नहीं बैठ सकते तो कोई भी क्यों बैठे। और मिशन फतेह रखने से काम नहीं चलता है, फतेह करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फतेह करनी पड़ती है। ये फतेह नहीं, बल्कि ये तो ये दिख रहा है कि आपका जुलूस निकला पड़ा है। किस तरह से आप जो है वो टूटी हुई खटारा घटिया धूल भरी एम्बुलेंस में मरीज को लेने जा रहे हैं और वो बैठ नहीं रहा। एक बात और है शोभना, जो आदमी इस गाड़ी को चलाकर गया वहां पर वो ड्राइवर नहीं था, वो रोहित कुमार थे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। वो कहते हैं मुझे गाड़ी तो ये दे दी, बड़ी अच्छी गाड़ी दी है माशाल्लाह, और इस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं दिया। ऐसे चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट, और ऐसे मिशन फतेह करेंगे, ऐसे लड़ेंगे कोरोना से। मुझे तो देखकर शर्म आ गई कि पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट की। जगविंदर पटियाल, इन तस्वीरों को देख के देश के हर नागरिक को एक सबक ले लेना चाहिए। ये स्थिति है देश में हेल्थ सर्विसेज की। अपना ध्यान खुद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार हाथ धोइए।